हेलो गाइज, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। मेरा नाम है राहुल भाटी और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइज, बार दोबारा से मेरे चैनल पर कुशाक है सामने, बट इस टाइम सौरव पंडित वाली नहीं है, एक दूसरी कुशाक है। और आज जो मैं आपको इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस दिलवाने वाला हूँ, तो ये है अजय भैया। हेलो भैया, वेलकम टू ऑटो एक्सपी। हेलो, थैंक यू। हेलो, तो भैया कैसे आपका कुशाक का प्लान बना और आपने कौन कौन सी गाड़ी देखी, एक बार स्टोरी बताइए हमें। मेरे पास जैसे एक छोटी गाड़ी है, दैट इज़ फोक्स वैगन पोलो, हाँ और एक एंडेवर भी है। तो इसके बीच में एक होंडा सिटी भी थी, लेकिन होंडा सिटी का जो लाइफ था, यूजेबल लाइफ, वो हाँ सारा पूरा हो गया था। अच्छा तो डीजल में थी, उसको रिप्लेस कर दिया था हमने, सेल ऑफ कर दिया था। तो फिर एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की ज़रूरत थी। दो ऑप्शन थे जो हमने देखे थे, एक टाइगन देखा था फोक्स वैगन का, एंड देन ये कुशाक देखा था। आपको कुशाक टाइगुन से ज़्यादा क्यों पसंद आई? हाँ, इसमें डिटेलिंग में जाएंगे तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है कि इसको कैसी गाड़ी चाहिए। हाँ जैसे टाइगन फोक्स वैगन पोलो के जैसी है ड्राइविंग बिल्कुल फील, और उसमें क्यों, क्योंकि सबसे पहली बात उसका जो डैम्पर्स है, मतलब कि जो शॉक अब्जॉर्बर है, वो थोड़े स्टिफ हैं, स्टिफ है। स्पोर्टी है, हाँ और बिल्ड क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, उसकी भी अच्छी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल को क्या पसंद आती है। तो उसका एक तो जो सस्पेंशन है वो स्पोर्टी है, मतलब स्टिफ है, और दूसरा उसमें जो स्टेयरिंग व्हील है वो भी स्पोर्टी और हार्ड है। हार्ड मतलब हैवी है, वेट है। तो जैसे पोलो में भी है, हाँ सेम टाइगन में भी है, हाँ वो स्पोर्टी राइड के लिए बहुत अच्छी है हाँ जो इंथुजियास्टिकली ड्राइव करते हैं। लेकिन मेरे को लॉन्ग ड्राइव पे चलना होता है, बहुत लंबा चलना होता है, तो उसके लिए मुझे हल्की स्टेयरिंग और सॉफ्ट सस्पेंशन ज़्यादा रिक्वायर्ड ज़्यादा था। ज़्यादा सूट करता है। इसमें क्या है कि मैंने इसको 7.5 किलोमीटर, 7.5 घंटे भी लगातार ड्राइव किया हुआ है, कुछ फील नहीं होता। अच्छा, कहाँ पे ट्रिप की थी भैया आपने वो 7.5 घंटे वाली? ये यार, हम गए थे इधर से, पहले नोएडा गए थे, नोएडा से फिर जेवर गए थे, जेवर से फिर यूपी में कहीं एक और जगह आगे गए थे, फिर मथुरा गए थे, फिर वहाँ से नोएडा गए थे, फिर फैजाबाद आए थे। हाँ अच्छा, एक ही दिन में आपने 7.5 घंटे लगातार चलाई है, तो कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा था आपका? मतलब कि इसमें फील नहीं होता है। इसके आने के बाद हमारे घर में कोई भी पोलो और एंडेवर को सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस बन गए। अच्छा, इसके बाद वो बाकी गाड़ियाँ सेकंड और थर्ड थर्ड प्रेफरेंस प्रेफरेंस पे, बन ये गए। फर्स्ट है। तो भैया अभी कितने 1000 किलोमीटर चला दिए आपने? मैंने 2 महीना, आज ही पूरा हुआ है इसका। अच्छा, आज और 2 महीने पूरे हाँ हुए हैं इसके, बिल्कुल, और ये इसका 6900 किलोमीटर्स हो गए, मतलब मतलब 7000 किलोमीटर 7000। आप मान लें बेसिक बेसिक। हाँ तो बिल्कुल। कितने टाइम में उन्होंने डिलीवरी दे दी थी आपको और कैसा प्रॉमिस किया था उन्होंने, और कोटिंग वगैरह आपने कराई है इस पे, सिरेमिक कोटिंग नहीं नहीं वगैरह? नहीं सिरामिक कोटिंग नहीं कराई। सिरामिक कोटिंग करवाना मैं रिकमेंड भी नहीं करता किसी को, क्योंकि उसमें क्या है कि एक टर्टल वैक्स करके आता है। कोई भाई नई गाड़ी है तो उसको ख़रीद ले, 2700-2800 का आता है, गाड़ी की रेगुलर सफाई कराए और उसको कोट कर दे, तो सिरामिक कोटिंग वही होती है। अच्छा, तो इसी चीज़ के जो दुकान वाले होते हैं, वो पैसे कोटिंग लेते वाले हैं। होते हैं, 27-28 हज़ार लेते हैं। आपको ये ऑन रोड कितने रुपए की पड़ी है? ये तो जो गाड़ी थी वो 17-30 की थी, एक्स हाँ शोरूम, मतलब विदाउट एनी डिस्काउंट हाँ ऑन रोड। मैंने ईयर एंड डिस्काउंट में लिया था, तो मुझे ये कॉस्ट करी 16 16। तो एम्बिशन वेरिएंट है, हाँ, तो एम्बिशन ऑटोमेटिक। एम्बिशन ऑटोमेटिक। ओके, तो ऑटोमेटिक आपने मैनुअल किस वजह से नहीं ली, कि आपकी नहीं ड्राइव वही, लंबी है या कोई और रीज़न हाँ, है? वही, जैसे पोलो मेरी मैनुअल हाँ है ना, और इंडेवर ऑटोमेटिक है। तो पोलो और इंडेवर में हम इंडेवर प्रेफर करते थे क्योंकि ईज़ ऑफ ड्राइविंग थी, हाँ तो ये क्लैरिटी था कि कोई भी गाड़ी लेनी है ऑटोमेटिक ही लेनी है। तो अभी तक फ्यूल एफिशिएंसी क्या ऑफर कर रही है आपको, सिटी और हाईवे दोनों मिक्स करके? हाईवे में, सिर्फ हाईवे हाईवे की बात करें तो ये 14-15 दे देती है, अच्छा, और सिटी की देखें तो 11-12 तक। 11-12 तक इजीली निकाल रही है हाँ पेट्रोल में, हाँ तो एवरेज भी देखे तो 12 का आ रहा है इसका। 12 किलोमीटर का। कोई हाँ वाइब्रेशन वगैरह, कोई नहीं कैबिन नहीं नॉइस नहीं अभी नहीं तक? नहीं 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 बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, आपने जो 1000 किलोमीटर पर चेकअप कराया था उसका एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैं नहीं करवा पाया, मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा, टाइम ही नहीं था, वो कराया नहीं, नहीं, अपना मतलब छोड़ दिया वो ऐसे तो। कुछ होता नहीं इन गाड़ियों का, फोक्स वैगन हाँ, वो और तो बस एक इनका, रेगुलर चेकअप होता है, वो चेक इनका करते हैं कि कोई इंजन। इंजन में कोई इशू नहीं है, बॉडी में कोई हो, तो वो बस उसका चेकअप होता है, वो ऐसा कुछ खास उसमें चेंजे करते नहीं है। तो आपने वारंटी पैकेज वगैरह भी लिया है इसका या फिर वो छोड़ नहीं, जो दिया? स्टैंडर्ड, इनका वारंटी पैकेज लेने की भी ज़रूरत नहीं होता,
लेकिन बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि यू डोंट नीड एक साल दो साल की नहीं, वो चार वो साल जो का सर्विस पैकेज जो होता है 25,000 वो तो देते ही है, वो आपने ले लिया है ना? हाँ, वो तो इंक्लूड करके ही देते हैं। हाँ, तो मतलब वो 60,000 किलोमीटर तक टेंशन फ्री है एकदम सर्विस सर्विस का। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई चीज भी है जो आपको इस गाड़ी में अच्छी लगती हो, बुरी लगती हो, कोई भी जो आपका जो अगर मतलब कोई कस्टमर लेने वाला हो तो उसे पता चल जानी चाहिए पहले? नहीं, मेरे को तो देखिए अब इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम क्रेटा और कौन सी है सेल्टॉस, वो तो इस क्लिक की गाड़ी नहीं है। हाँ, वो तो मैं उनको डब्बा गाड़ी है वो, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी नहीं है। क्योंकि आप उसको लेकर के ठीक है, आपको फ्यूल एफिशिएंसी उसने दे दिया, हाँ, एक आध दो फीचर दे दिए, हाँ, लेकिन आप जब लेके जा रहे हो उस पे हाईवे पे, यू आर नॉट फीलिंग सिक्योर, आपको लग रहा है कि यार एक्सीडेंट होगा तो लोग चले जाएंगे तो फिर ऐसे ऐसे पैसे बचा के फायदा क्या? हाँ, वो तो है ही। जिसमें जिसमें लाइफ की सिक्योरिटी ना हो, ऐसे दो दो तीन किलोमीटर के एमपीएल बचा के फायदा क्या है? और फिर फैमिली भी जब साथ में चले तो फिर और रिस्क होता है। हाईवे पे तो मैंने देखा है कि रिस्क लेने का मतलब ही नहीं बनता, और लोग इंडिया में ये चीज समझते नहीं है कि हर चीज फ्यूल एफिशिएंसी नहीं होती, अपनी सेफ्टी भी होती है। इंडिया ऐसा है कि किया, अगर मैं सेल्टॉस की बात करूं तो जो बाहर बेच रहे हैं किया वाले, वो अच्छी सेफ्टी रेटिंग के साथ बेच रहे हैं, वो जीएन कैप 5 स्टार। हाँ बिल्कुल। तो ये अगर जनता अवेयर नहीं करेगी, ऐसे ब्रांड को बॉयकॉट नहीं करेगी कि तुम्हारे दोहरे रवैये हैं, बाहर तो तुम कुछ और दे रहे हो, यहाँ पे कुछ और दे रहे हो, जब तक जनता अवेयर नहीं करेगी, इस इश्यू को रेज नहीं करेगी, तब तक वो तो फॉर ग्रांटेड लेते रहेंगे। बिल्कुल। अपनी मार्जिन इंक्रीज करने के लिए लो क्वालिटी का मटेरियल लगाएंगे, हल्की गाड़ियाँ बनाएंगे। और इंडिया में अब तो थोड़ा नितिन गडकरी जब से आए हैं, उन्होंने कर दिया है कि 4 एयरबैग्स मैंडेटरी, 6 एयरबैग्स मैंडेटरी, और उस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी वर्क हो रहा है। बिल्कुल। तो गाइज, ये था हमारा की कुशाक का ओनरशिप एक्सपीरियंस। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप यू गाइज हैव एंजॉयड माय वीडियो।